नमस्कार किसान मित्रों, मैं रुपेश पाटीदार सोमनाथ क्रॉप केयर कंपनी की ओर से आप सभी किसान बंधुओं का हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम रतलाम जिले के एक कलोरी गांव में पहुंचे हैं। यहां पर हम हमारे उत्कृष्ट किसान से मिलेंगे जिन्होंने उनकी फसलों में सोमनाथ क्रॉप केयर के उत्पादों का प्रयोग किया है। आइए उनकी मुझबानी सुनते हैं, उन्होंने किन उत्पादों का प्रयोग किया और क्या परिणाम लिया। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका परिचय? मेरा नाम बलराम जाट, कलोरी खुर्द, जिला रतलाम से। मैंने गए साल भी डाली थी बोल्टार करके, और इस साल सोमनाथ की ये सीकर डाला। इससे क्या है, अभी आज 15-20 दिन होने को आए, इसमें ना तो कोई मधुमक्खी है, कुछ भी बिल्ली वगैरह कुछ नहीं है। इसमें गए साल भी डाली थी, जिसके कारण अच्छा रिजल्ट मिला था मुझे, इसीलिए अभी इसका प्रयोग किया है मैंने, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। ये आपके सामने है, एक भी पत्ती कहीं तक कोई छेद वगैरह, कोई इल्ली वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें, गटल बिटल कोई है ही नहीं। और खाद भी डाला था, तो खाद का भी अच्छा रिजल्ट दिखा था मुझे, लहसुन में, गेहूं में, जिसके कारण जमीन भी अच्छी रही, नरम रही, और अच्छा उत्पाद है इसका। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि अच्छी चीज़ें डालें तो अच्छा उत्पादन भी मिलेगा और जमीन भी अच्छी रहेगी उससे। आपने शिखर का अभी उपयोग किया है, आप जैसे बता रहे कि 15-18 दिन हुए आपको उपयोग करें, उसके पहले आपके खेत में कोई समस्या किसी प्रकार की? गटल बिटल लग रही थी, कोई चालू हो गई थी लगनी उस समय पे। उससे पहले मैंने कुछ भी नहीं डाला था, खरपतवार में कोई दवाई मिले भी नहीं थी, बिल्कुल वही खरपतवार ही थी उस टाइम पे, तो मैंने कुछ दिया ही था। तो गटल बिटल चालू हो गई थी, तो मैंने कहा गटल बिटल चालू हो गई, तो फिर शिखर ला के डाली उसमें, उसके कारण अभी यह सब खत्म हो गई, गटल बिटल वगैरह, और एक भी पत्ता पे कहीं पे छेद नहीं है इसमें, कि छेद दिख रहा है आपको भाई। आप पूर्ण रूप से शिखर आप लोगों को क्या संतुष्ट हैं? संतुष्ट हूँ, और अभी शिखर सोमनाथ से कोई ना कोई अच्छा प्रोडक्ट ला के डालना है, जिसके कारण इसमें यही पोजीशन आखिरी तक बनी रहे इसमें। इसके साथ में आप अभी बता रहे थे कि बुलटार प्लस का भी उपयोग करेंगे। हाँ, काफी अच्छा फाल है भैया की फसल में, इन्होंने अच्छा प्रोडक्ट चयन किया था, तो उसकी वजह से इनकी फसल स्वस्थ रही, फाल अच्छा आता हुआ दिख रहा है। और एक और चीज अगर विशेष नोटिस कराया जाए तो टॉप बॉटम तक फूल दिख रहे हैं सोयाबीन की फसल में, तो ये काफी अच्छी चीज है कि इन्होंने सही समय पे अच्छा उत्पाद का प्रयोग किया और काफी बेहतर इनको रिजल्ट मिले, और उसकी वजह से आज सोयाबीन की फसल स्वस्थ और सेफ है और फूल भी अच्छे से ले रही है, और कहीं ना कहीं इनके कर भी बनने चालू हो गए हैं। तो आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं सोमनाथ सर? आपने बताया कि लहसुन और प्याज में मैंने सोइल सेवर खाद का उपयोग किया था, उसका परिणाम आपने क्या खासियत उसकी देखी है? उसमें लहसुन में डालने के बाद अच्छी लहसुन आखिरी तक में ताजगी से खड़ी रही वो जी, और एक बार बारिश हुई थी जिससे ओले भी गिरे, टूट गए थे सबके डंठल, वो गए साल आपने देखा होगा। जी जी हाँ। टूटने के बाद लोगों की खड़ी होने में दिक्कत आई थी, बहुत टाइम लगाया था, मेरा जल्दी जल्दी हरी हो गई वो। अब सोई सेवर खाद की अगर अपन बात करें तो आपने वो नोटिस किया कि आपने उस खाद का प्रयोग किया था तो जो ओले से जो फसल टूटी थी वो जल्दी से वापस ग्रोथ पे आ गई, वापस ग्रोथ पे आ गई, नया आ गया पत्ता उसमें, और जब निकाली उसको तो बिल्कुल मालूम ही नहीं पड़ा, और फटाफट वो लहसुन बाहर आ गई, टूटने की समस्या नहीं आई, मतलब मिट्टी भी भुरभुरी हुई और नरम पड़ गई मिट्टी अपने आप। उसको आपने कहाँ तक देखा, आपने फसल निकालने तक और उसके बाद गर्मी में जब खेत जोता उस टाइम पे भी, जब खेत में कल्टीवेटर वगैरह चलाते हैं अपन, तो जहाँ नहीं डाला वहाँ, और जहाँ डाल रखा था गेहूं वगैरह सब में, वहाँ कल्टीवेटर न तो ट्रैक्टर को तकलीफ आई, न ट्रैक्टर को मालूम पड़ा, और न कल्टीवेटर कहीं से कहीं तक वो बिल्कुल हिला आया, कुछ हुआ उसमें, और खेत भी उसे मिट्टी वो बिल्कुल फ्रेश आई अंदर से। बहुत अच्छी बात है, आपने काफी हद तक डीप तक आपने प्रोडक्ट का रिजल्ट देखा, देखेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा। तो आप मतलब सोमनाथ से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, अन्य किसान भाइयों को क्या राय देना चाहेंगे आप? यही कि आप देख के डालो और किसी के कहने में मत आओ, ये सोमनाथ में इसमें ज्यादातर अच्छे प्रोडक्ट है, और आपकी जमीन भी अच्छी रखेगा ये, यूं नहीं कि आपकी जमीन, बाकी तो दवाई वाला है कुछ भी दे देते हैं अपन को, लेकिन देख के लाना चाहिए, पूछ के। धन्यवाद। धन्यवाद सर।